हेलो गाइस, वेलकम बैक। और ये है हमारा तीसरा वीडियो इस प्लेलिस्ट का। जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही है अब NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बाय यूजिंग द NLT के लाइब्रेरी। सो ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टॉप वर्ड्स, कि स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं और उन्हें क्या करते हैं हम उनके साथ, मतलब उन्हें हम निकाल देते हैं तो क्यों निकाल देते हैं, राइट। और हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉप वर्ड्स होते हैं और आप एक सेंटेंस से कैसे स्टॉप वर्ड निकाल सकते हो, राइट। सो मैंने एक यहाँ पे नई नोटबुक खोली है, उसका नाम है दिया है स्टॉप वर्ड्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि दीज स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, राइट। सो व्हाट इज द स्टॉप वर्ड्स। सो बेसिकली देखो गाइज, जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं या फिर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी एसे लिखते हैं, सो दैट कंटेंस ए लॉट ऑफ वर्ड्स। एंड वी इन NLP वी आर प्रोसेसिंग द नेचुरल लैंग्वेजेस, मीन्स वी आर प्रोसेसिंग द टेक्स्ट, राइट। वो जो टेक्स्ट लिखा है या फिर बोला हुआ है उसे हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, जब आप सेंटेंस बनाते हो तो कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं कि उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं होता, लेकिन सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए वो वर्ड इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। कि जैसे अगर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कि अगर सिर्फ एक वर्ड यूज़ करें तो उसका इतना कुछ मीनिंग नहीं निकलता या फिर उससे आप कुछ समझ में नहीं पाते, लेकिन किसी एक पूरे सेंटेंस को अगर आपको मीनिंगफुल बनाना होता है तब आपको वो वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, राइट। सो दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एज स्टॉप वर्ड्स, राइट। इन वर्ड्स को बोलते हैं स्टॉप वर्ड। और हर भाषा में ऐसे वर्ड्स होते हैं, राइट। तो उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाई वी नीड टू रिमूव द स्टॉप वर्ड, हमें स्टॉप वर्ड्स क्यों रिमूव करने होते हैं। तो जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, जैसे कोई कहाँ से भी हम अगर टेक्स्ट लेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टॉप वर्ड्स होते हैं, और जब हमें एनालिसिस करना होता है तब हमें क्या करना होता है कि जो लो लेवल इन्फॉर्मेशन वाले वर्ड्स है उन वर्ड्स को हम रिमूव करते हैं ताकि हमें और अच्छी एक्यूरेसी मिले, राइट। जैसे हमने प्रीवियसली जो प्रीवियस पार्ट है हमारा, जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में वगैरह, हमने देखा था कि जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स हम निकाल देते हैं ताकि हम एक्यूरेसी बढ़ा सके, राइट। हमारे मॉडल की या एल्गोरिदम की एक्यूरेसी बढ़ा सके, ठीक वही काम यहाँ पे हम करते हैं बाय रिमूविंग द स्टॉप वर्ड्स, राइट। वो स्टॉप वर्ड्स हटा के हम उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने का काम करते हैं। सो जो लो लेवल इन्फॉर्मेशन होती है टेक्स्ट में उसको हम निकालते हैं, और उस प्रोसेस को किया जाता है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, एंड उन वर्ड को बोलते हैं स्टॉप वर्ड्स, राइट। सो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टॉप वर्ड को निकालते हैं, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करूँगा फ्रॉम NLTK.corpus। सो गाइज, आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में हमने NLTK.डॉट डाउनलोड करके बहुत सारे कॉर्पोराज डाउनलोड किए थे, राइट। सो द कॉर्पोराज मीन कॉर्पोरा इज अ प्लूरल ऑफ कॉर्पस, राइट। सो आई विल राइट फ्रॉम NLTK.corpus इम्पोर्ट स्टॉप वर्ड्स, राइट। मतलब क्या करो, जो कॉर्पस है NLTK का उसमें से आप स्टॉप वर्ड्स को इंपोर्ट करो, सारे सारे के सारे स्टॉप वर्ड्स इंपोर्ट करो। अब देखो गाइस, अब कॉर्पस क्या होता है, अगेन कॉर्पस कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, मतलब बहुत सारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अगर आप कलेक्ट करोगे तो उसे बोलते हैं हम एक कॉर्पस। एंड ऑब्वियसली इन दैट कॉर्पस अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ स्टॉप वर्ड्स, एंड अगेन फॉर एवरी लैंग्वेज देयर विल बी अ सेपरेट कॉर्पस, मतलब हर लैंग्वेज के लिए, हर लैंग्वेज मतलब इंग्लिश है, आप हिंदी ले लो, मराठी ले लो, तमिल या फिर फ्रेंच, रशियन, जर्मन, एनीथिंग, कौन सी भी लैंग्वेज ले लो, हर लैंग्वेज के लिए एक सेपरेट कॉर्पस होता है और उसमें अगेन सेपरेट स्टॉप वर्ड्स होते हैं, राइट। सो इस इन दिस वीडियो और इन दिस पर्टिकुलर कोड वी विल सी द वर्ड्स और स्टॉप वर्ड्स इन ए पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाने हैं उसे। सो आप जो स्टॉप वर्ड्स है उनको एक लिस्ट फॉर्मेट में या लिस्ट की तरह भी प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप उसे एज ए सेट
भी प्रिंट कर सकते हो, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा से स्टॉप अंडरस्कोर वर्ड्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एज ए लिस्ट, सो आई विल राइट लिस्ट स्टॉप वर्ड्स, मतलब ये जो स्टॉप वर्ड्स है इस स्टॉप वर्ड्स के अंदर जो वर्ड्स है राइट उसे प्रिंट करो, राइट। स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉप वर्ड्स के अंदर के वर्ड्स, लेकिन कौन से वर्ड, फॉर इंग्लिश, ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश। अभी यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉप वर्ड्स के अंदर इंग्लिश के लिए जितने सारे वर्ड्स है वो लिस्ट फॉर्मेट में बनाओ, एंड वी वॉन्ट टू प्रिंट ऑल दोज स्टॉप वर्ड्स, राइट। सो आई विल रन दिस एंड दिस विल प्रिंट अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस स्टॉप वर्ड्स इन इंग्लिश, राइट। सो ये सारे जो वर्ड्स है दीज आर कंसिडर्ड एज स्टॉप वर्ड्स इन इंग्लिश, आई मी माई माई सेल्फ वी आवर आवर्स आवर सेल्फ, मतलब एज कंपेयर टू, देखो से आपका सेंटेंस है आई एम सेटिस्फैक्टरी, सो इस सेंटेंस में सेटिस्फैक्टरी जो वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आई, राइट। सो क्या करेंगे हम, जब हमें स्टॉप वर्ड रिमूव करने होंगे तब वी विल रिमूव दिस आई और वी विल जस्ट कीप दिस सेटिस्फैक्टरी, राइट। सो दीज आर द स्टॉप वर्ड्स फॉर द लैंग्वेज इंग्लिश। सो ऐसे हर लैंग्वेज में अलग अलग स्टॉप वर्ड्स होते हैं जो कि एक लिस्ट अमाउंट, लिस्ट मतलब ये वाला लिस्ट नहीं, कम अमाउंट का या फिर कम लेवल का इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम उसको रिमूव करके हमारे मॉडल की या एल्गोरिथम की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, राइट। सो वी विल सी एन एग्जांपल, से हम क्या करते हैं, हम एक टेक्स्ट लेते हैं, से टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा वी आर लर्निंग द NLP फुल स्टॉप एंड दिस इज एन एग्जाम्पल, अरे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिमूविंग ऑफ स्टॉप वर्ड्स, सो दिस इज आवर टेक्स्ट, राइट। ये हमने टेक्स्ट लिया है तो हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ से स्टॉप वर्ड रिमूव करना है। अब देखो गाइज, सिर्फ स्टॉप वर्ड रिमूव करने के लिए आप डायरेक्टली ये वाला कमांड नहीं चला सकते, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी डेटा है उसको आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू टोकनाइज इनटू वर्ड्स, राइट, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा है। सो वी हैव टू टोकनाइज दिस डेटा इनटू वर्ड्स, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा वर्ड टोकनाइजर, राइट, वर्ड टोकनाइजर करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू अगेन इम्पोर्ट द वर्ड टोकनाइजर, सो आई विल राइट हियर अगेन से फ्रॉम NLTK.tokenize import। अब देखो गाइज, देर आर टू टाइप्स ऑफ टोकनाइजर्स, वर्ड टोकनाइजर एंड सेंटेंस टोकनाइजर, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, दैट्स वाई वी नीड ओनली वर्ड टोकनाइजर। सो आई विल राइट word_tokenize, सो हमने इम्पोर्ट कर लिया है वर्ड टोकनाइजर। सो उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टेक्स्ट है उसे वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो मैं करूँगा वर्ड्स इज इक्वल टू word_tokenize और टेक्स्ट, और एक मिनट, उसके बाद हम करेंगे प्रिंट करके देखेंगे इन वर्ड्स को, राइट। सो समथिंग इज एरर, वर्ड्स, वी हैव मेड मिस्टेक इन
WORD राइट स्पेलिंग. सो राइट, सो इस सेंटेंस में ये इतने सारे वर्ड्स है, वी आर लर्निंग द NLP डॉट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रिमूविंग ऑफ, राइट. सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरे वर्ड लिस्ट से हमें स्टॉप वर्ड्स निकालने हैं, राइट. सो हम क्या करेंगे, हम स्टॉप वर्ड्स निकालेंगे और उसके बाद जो बाकी के वर्ड्स है उनका एक लिस्ट बनाएंगे, राइट. यहाँ से स्टॉप वर्ड निकाल के जो रिमेनिंग वर्ड्स है उनका हम लिस्ट बनाएंगे, राइट. सो मैं यहाँ पे लिखूँगा फिल्टर तो डायरेक्टली नहीं लेगा. सो मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइनल इज इक्वल टू एन एम्प्टी लिस्ट, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है. उसके बाद मैं लिखूँगा फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स, मतलब फॉर आई इन वैसा फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स क्या करना है, तो हम इटरेट करेंगे इस वर्ड्स को, राइट. इस लिस्ट को इटरेट करेंगे और हम लिखेंगे इफ डब्ल्यू, जो ये सिंगल वर्ड है, नॉट इन स्टॉप वर्ड्स, अगर जो डब्ल्यू है वो स्टॉप वर्ड्स में इन में नहीं है, तब क्या करो, आप उसको फाइनल में अपेंड कर दो, राइट. फाइनल में अपेंड कर दो, क्या अपेंड करना है, डब्ल्यू, राइट. और मैं यहाँ पे बाद में करूँगा फाइनली प्रिंट, क्या प्रिंट करना है मुझे, फाइनल. सो गाइज, मैं आपको फिर एक बार कोड समझाता हूँ. हमने एक फाइनल नाम की एम्प्टी लिस्ट बनाई है और हमने एक फॉर लूप चलाया कि डब्ल्यू इन वर्ड्स मीन सारे ये जो वर्ड्स हमने यहाँ पे बनाए थे ना, उसको हम इटरेट कर रहे हैं वहाँ पे. सो मैंने लिखा कि फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स, यहाँ पे इटरेशन चलाओ. इफ डब्ल्यू इज नॉट इन स्टॉप वर्ड्स, मतलब ये सारे जो स्टॉप वर्ड्स है इनमें अगर डब्ल्यू नहीं है, मतलब ये वर्ड्स, ये जो एक एक वन बाय वन ये वर्ड यहाँ पे चेक करेगा, तो वो वर्ड अगर स्टॉप वर्ड में नहीं है तो आप क्या करो, उसे इस फाइनल नाम की लिस्ट में ऐड कर दो, अपेंड कर दो, राइट. एंड वी विल रन दिस. सो देखो, हमें यहाँ पे एक लिस्ट मिल गई, राइट. सो क्या हो गया, यहाँ पे वी आ गया, उसने वी कंसिडर किया है यहाँ पे. क्यों कंसिडर किया है, सो द वी इन स्टॉप वर्ड्स इज स्मॉल एंड द विथ व्हाट वी आर यूजिंग इज a capital, that's why it considered as a word, not considered as a stop word, right. So usne r nikal diya, learning lik consider kiya, fir the nikal diya, nlp liya, full stop liya, this ka bhi t capital hai, yeah, that's why it is considered as a normal word, it is not considered as a stop word. उसके बाद इज निकाल दिया, एन निकाल दिया, एग्जाम्पल रख दिया, ऑफ कैंसिल किया, रिमूविंग रख दिया, ऑफ कर दिया, फिर स्टॉप और वर्ड्स भी लिख दिया, राइट. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है उससे हम यहाँ से निकाल देते हैं, राइट. सो वी विल टेक दिस सेम सेंटेंस अगेन बाय यूजिंग ऑल दिस स्मॉल लेटर्स, यही सेंटेंस हम लेंगे बाय यूजिंग स्मॉल लेटर्स, राइट. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट इज इक्वल टू से वी आर लर्निंग दी NLP और विदाउट पंक्चुएशन हम लिखेंगे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिमूविंग ऑफ स्टॉप वर्ड्स, राइट. विदाउट पंक्चुएशन हमने यहाँ पे लिया है. सो हम फिर से वही करेंगे, से वर्ड्स टू इज इक्वल टू वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज करेंगे हम txt को, राइट. अब यहाँ पे हम सारा एक साथ ही कर देंगे, ठीक है. उसके बाद सो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल टू और उसे बनाएंगे हम एम्प्टी लिस्ट. उसके बाद मैं लिखूँगा फॉर w इन वर्ड्स टू इफ w नॉट इन स्टॉप वर्ड्स, अगर नहीं है तो क्या करना है हमें, फाइनल टू, हमारा नाम है फाइनल टू डॉट अपेंड डब्ल्यू,
और उसके बाद हम करेंगे प्रिंट। प्रिंट क्या करना है हमें, हमें करना है फाइनल टू को प्रिंट एंड वी विल चेक दिस। सो क्या आ गया, सो ओके हमारा फाइल है वर्ड्स टू। ओके सो नाउ गाइस देखो हमने क्या किया, हमने सेम सेंटेंस लिया लेकिन पहले में हमें क्या आंसर मिला था, वी। यहाँ पे देखो वी कैंसिल हो गया, दिस भी कैंसिल हो गया क्योंकि हमने क्या किया, सब कुछ लोअर केस में लिया है, राइट, स्मॉल लेटर्स में सब कुछ लिया था, तो उसने अब वी कैंसिल कर दिया, दिस भी कैंसिल कर दिया। कितने वर्ड्स रह गए यहाँ पे, सिर्फ लर्निंग एनएलपी एग्जांपल रिमूविंग स्टॉप एंड वर्ड्स, इतना ही रह गया, राइट। सो गाइज दिस वॉज फॉर ऑल फॉर द स्टॉप वर्ड्स एंड हाउ वी डू रिमूव द स्टॉप वर्ड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।